दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, एके टेंट एंड केटरर्स। साई प्रणाम, सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और सिर्फ महानगर ही नहीं पूरे जिले का हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। फिर चला अवैध अतिक्रमण पर सिटी मजिस्ट्रेट का हंटर, हटाए जा रहे हैं शहर की सूरत को बिगाड़ने वाले हर अवैध कब्जे। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के ललित कला महोत्सव का हुआ समापन, पुरस्कृत हुए छात्र। जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में आयोजित हुई प्रधानाचार्यों के साथ बैठक, बनाई गई प्री बोर्ड एग्जाम पर रणनीति। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला का हुआ समापन, किया गया पुरस्कार वितरण। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला रहे मौजूद। SC ST एक्ट में दीपक कुमार को अभी भी नहीं मिला इंसाफ, लगातार धरने से अचानक बिगड़ी तबीयत, कराया जिला अस्पताल में भर्ती। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने किया नगर निगम में धरना, कर रहे हैं अति पिछड़ा रिपोर्ट को लागू किए जाने की मांग। सुशासन दिवस की पूर्व संध्या पर विश्वविद्यालय के छात्रावास के छात्रों में हुई वाद विवाद प्रतियोगिता, छात्रों ने रखे डिजिटल इंडिया और सुशासन विषय पर अपने अपने विचार। और शुद्ध प्लस परिवार की ओर से बांटे गए 11 खिलाड़ियों को 25,000 रुपए के चेक। महानगर गोरखपुर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए और साथ ही साथ अवैध अतिक्रमण जो कि शहर की खूबसूरती पर बदनुमा दाग साबित हो रहे हैं, उसे लगातार प्रशासन की ओर से हटाया जा रहा है। इसी अवैध अतिक्रमण को हटवाने का नेतृत्व सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने अपनी अगुवाई में किया। इस अभियान में सिटी मजिस्ट्रेट सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने पैडलेगंज से लेकर देवरिया बाईपास तक के अवैध अतिक्रमण को हटवाया। इस अतिक्रमण अभियान में जो भी अवैध कब्जे मुख्य रूप से नालियों पर किए गए थे, उसे भी JCB ने नस्ते नाबूद कर दिया और साथ ही आसपास इधर उधर नो पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियों पर भी चालान करवाया गया। बतौर प्रशासन की अगर माने तो ये अभियान लगातार चलता रहेगा जब तक कि शहर की सूरत बदल ना जाए। अपने इस अभियान के बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने कहा कि जितने भी अवैध निर्माण हैं उन्हें जल्द से जल्द ध्वस्त कर दिया जाएगा। लोगों ने टीन सेट लगा के गैराज खोल लिया है, इसको एज ए डंपिंग
स्थल के रूप में भी यूज कर रहे हैं और अस्थायी दुकानें बना ली हैं, जिससे आए दिन जाम की समस्या होती है। तो पूरे नगर निगम की टीम एसपी ट्रैफिक साहब भी हैं, हम लोग इसको हटवा रहे हैं और यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। आसपास में बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, अवैध पार्किंग के भी लोग, हाँ उनको हम लोग नोटिस भी दे रहे हैं और ट्रैफिक के भी स्टाफ के लोग हैं तो उनके द्वारा चालान भी कराया जा रहा है और बाकी हम लोग नोटिस भी दे रहे हैं 133 CRPC की और उसमें कार्रवाई करेंगे। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से गत दिनों ललित कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम सोसाइटी की ओर से महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में आयोजित किए गए। सोमवार को ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान इस ललित कला महोत्सव का समापन किया गया, जिसे पुरस्कार वितरण के रूप में मनाया गया। इस पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पुरस्कार वितरण से पहले उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव मंकेश्वर पांडे ने कहा कि ये ललित कला महोत्सव उनके ही उत्साह वर्धन के लिए किया गया है। आप उस भवन से अवगत, 1946 में उस समय भी देश अभी गुलाम था, तब सोसाइटी के लोगों ने सोचा कि हमने छात्रों के पढ़ने की व्यवस्था तो की मगर छात्राओं के पढ़ने की व्यवस्था नहीं की गई है। तब सोसाइटी ने गोरखपुर हाई स्कूल सोसाइटी गर्ल्स के नाम से एक गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की और किराए के मकान में रायगंज में वो विद्यालय 1946 में प्रारंभ हुआ, जिसे 1989 में उस समय के हमारे तत्कालीन सचिव सोसाइटी के स्वर्गीय प्रकाश नारायण श्रीवास्तव जी, जिनकी स्मृति में प्रतियोगिताएं हो रही हैं, उन्होंने उस विद्यालय को का भवन इसी सोसाइटी परिसर में महात्मा गांधी PG कॉलेज के बगल में पश्चिम तरफ, जिसका रास्ता जुबली इंटर कॉलेज के सामने से कंडेल साहब की गली में है। इसके बाद मुख्य अतिथि ने अपने हाथों से छात्रों को पुरस्कार वितरित किए। हमारा यह सामने वर्ग है, मंच के आ जाना उतर के उधर से। मोहित मल्ल, साहिद रजा, यहाँ देखिए जूनियर वर्ग में सामने मंच पे आके खड़े हो जाओ बेटा, नीचे आके। संगी लक्की अग्रवाल, GN नेशनल पब्लिक स्कूल के तैयार रहेंगे बच्चे, ये बच्चे मंच तक आ जाएं। इन्होंने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है और तृतीय पर दो बच्चे, दो टीमें हैं, एक प्रियांशी वर्णवाल, कसिका श्रीनेत, प्रज्ञा सिंह, द पिलर्स पब्लिक स्कूल गोरखपुर सिविल लाइन्स की। तृतीय स्थान पर है अंजलि सिंह, ऋतिक यादव और महिमा सिंह डिवाइन पब्लिक स्कूल बिछिया के। उधर घूम जाओ बेटा सामने, हाँ विद्यालयों ने प्रतिभाग किया इन हर कार्यक्रमों में। डिवाइन पब्लिक स्कूल के दो ब्रांच बिछिया और मोहनालपुर दोनों ने अपने उठा के संयुक्त रूप से दो टीमें प्रथम। जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में आगामी दिनों में होने वाली प्री बोर्ड परीक्षा और गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया मौजूद रहे, जिन्होंने उपस्थित प्रधानाचार्यों को संबोधित करते हुए कहा कि प्री बोर्ड की परीक्षा को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए जो भी आवश्यकता है उन्हें बता दी जाए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला और खेल महोत्सव का आयोजन गत दिनों कई दिनों से किया जा रहा था, जिसका सोमवार को समापन पुरस्कार वितरण के रूप में हो गया।
इस पुरस्कार वितरण में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, प्रोफेसर विनोद सोलंकी और ब्रिजेश राममणि त्रिपाठी मौजूद रहे। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई और उसके बाद शहीदों की तस्वीरों का अवलोकन भी उपस्थित अतिथियों द्वारा किया गया। इसके बाद रामप्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला और खेल उत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सहभागियों को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। इस पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान अपने उद्बोधन में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर हैं, वास्तव में इन्हीं गतिविधियों से नजर आता है। शब्दों की रचना किया था प्रातः स्मरणीय तिलक जी, उनकी बातों को लेकर के कितने लोग अपनी उम्र का ख्याल न करते हुए कि उम्र तो दो चार दिन की होती है, 100 साल जीने का क्या मतलब। ये पीछे जो चिंतक लगे हैं जिन्होंने यही कहा उम्र तो दो चार दिन की होती है, 100 साल जीने का क्या मतलब है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जिन्होंने दो चार दिन का ही जीवन दिया, लेकिन 100 साल के लोगों को कोई नहीं जानता, इस दो चार दिन वालों को ही सभी के सभी लोग जानते हैं। हाँ, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाकुल्ला हो, शहीद आजम भगत सिंह हो, रोशन सिंह हो, देश के विभिन्न जिलों में। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त, सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, चलकल बिल्डिंग, गोल घर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935908111। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत। हाय मनमीत, विद मी ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। Hey guys, it's AKash. You are watching Gorakhpur City One number one channel. Hi, मेरा नाम है तुषार जोशी। City One channel के relaunch पे
ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दलित छात्र दीपक कुमार से समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला अस्पताल में जाकर मुलाकात की। जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव के नेतृत्व में दो दर्जन से अधिक समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पूरे घटनाक्रम के बारे में पीड़ित छात्र से बात की और उसको इंसाफ दिलाने के लिए अपना पूरा सहयोग देने का वादा भी किया। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि विश्वविद्यालय में शोध करने वाले दीपक कुमार ने अपने ही आचार्यों के ऊपर दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर अभी तक गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के विरोध में कई दिनों से दीपक कुमार और उसके साथी धरने पर बैठे हुए थे और अचानक दीपक कुमार की तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो यहां हाल में चल रहा उसके खिलाफ लड़ाई है, तो इतनी हिम्मत अगर आप में रिपोर्ट दे रहे हैं, रिपोर्ट जब दे देंगे तो रिपोर्ट में क्या पोजीशन है हम लोग देख करके उसके बाद तब फिर शिक्षकों पर कोई कार्रवाई ना, वो लोग अखबार में हैं बाकायदे धरना देने पर। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि जो भी उचित होगा दीपक कुमार के लिए किया जाएगा और उसके न्याय दिलाने की प्रक्रिया में समाजवादी पार्टी सतत प्रयास करती रहेगी। ऐसे में ये बहुत ही लापरवाही है विश्वविद्यालय प्रशासन की कि जिन दो शिक्षकों ने उत्पीड़न इसका किया, नौजवान का, सोच छात्र है दर्शन शास्त्र का, तो इतने उच्च शिक्षित व्यक्तियों का इस तरीके से जातीय उत्पीड़न कर रही है विश्वविद्यालय प्रशासन। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी को मजबूरन आगे आना पड़ा है। उधर इस मामले में समाजवादी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी अनुप्रसाद ने भी कहा कि दीपक कुमार के इस संघर्ष में समाजवादी पार्टी उनके साथ है। दो प्रोफेसर विश्वविद्यालय में लगातार अपना कार्य कर रहे हैं, पाठन पठन करवाने का कार्य कर रहे हैं, तो इसी चीज को लेके पिछले एक हफ्ते से दीपक कुमार इसी ठंड के मौसम में प्रशासनिक भवन पे धरने पे थे और कल सातवां दिन था। कल सुबह से इन्होंने खाना भी छोड़ दिया था और रात में लगभग 9 बजे के करीब इनकी हालत बहुत गंभीर होने लगी और हम लोग को जब ये सूचना मिली तो हम लोग इनको तत्काल रूप से सदर में लेके आए और यहाँ पे डॉक्टरों ने उनकी हालत बहुत गंभीर और नाजुक भी बताई और उनको इस समय इमरजेंसी में रखा गया है। और अभी भी विश्वविद्यालय प्रशासन चुप्पी साधी है कि आखिर क्यों ये इस तरीके की दीपक कुमार के साथ जो आज कंडीशन आई है, इसका जिम्मेदार हम जानना चाहते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। राहुल देव भारतीय समाज पार्टी के तत्वावधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मी बाई पार्क में आयोजित किया गया। इस पार्टी की मांग है कि अति पिछड़ा सामाजिक न्याय ने जो रिपोर्ट दी है उसे कैबिनेट में जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिससे कि पिछड़ेपन के शिकार कुछ लोगों को समाज की मुख्य धारा में फिर से वापस जोड़ा जा सके। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पार्टी के नेता अभिषेक ने कहा कि वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को लागू करें और 27% आरक्षण जो है उसको 3 वर्गों में विभाजित करने के लिए, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, 3 वर्गों में विभाजित करके उन जातियों को हिस्सा दिलाने के लिए मांग कर रहे हैं जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। उत्तर प्रदेश कुश्ती भारतीय पद्धति के अध्यक्ष रामाश्रय यादव ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि मिट्टी पर खेली जाने वाली देसी कुश्ती और गद्दे पर होने वाली रेसलिंग को अलग अलग कैटेगरियों में विभाजित कर दिया गया है, जिससे कि किसी भी संघ और आयोजन करने वाले लोगों को इस संबंध में कोई भी भ्रांति ना रहे। उनका मारिया सामने हमको जो वर्ल्ड ट्रेडिशनल के जो है उन्होंने स्टाइल के रूप में हमको मान्यता मांगी। उसी दिन जो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट महोदय का आदेश है, उसी दिन शाम को उन्होंने कहा ही है कि इनको क्या करने का अधिकार है और हमको क्या करूँ, उनको गद्दे पर फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन और महिला कुश्ती कराने का अधिकार है, हमको ट्रेडिशनल खेल के रूप में मिट्टी पर कराने का उन्होंने आश्वासन।
25 दिसंबर यानी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के तहत गोरखपुर विश्वविद्यालय के नार चंद्रावत छात्रावास में वाद विवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वाद विवाद कार्यक्रम का मुख्य विषय डिजिटल भारत में सुशासन की व्यवस्था रखा गया था, जिस पर छात्रों ने अपने अपने विचार रखे। लगभग 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया का एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसमें ये बताया गया कि लगभग जो ग्रामीण क्षेत्र में है, ई कॉमर्शियल जो क्षेत्र है, वहाँ पे लगभग 15 अरब का निवेश है। ठीक है, निवेश तो हो रहा है, लेकिन जो चाहते हैं कि क्या वो किस हद तक सफल हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ हमारे ग्रामीण ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक ई शिक्षा के माध्यम से अभी पूर्णतः शिक्षित हैं। कमियां नहीं, इनमें ये चाहिए कि पहले उसके प्रति उसका अवेयरनेस आना चाहिए कि हाँ है क्या चीज करना चाहिए, ना कि वैसी बैन लगाना चाहिए, ना कि उस पर कानून बनाना चाहिए। जो करना चाहिए तो वो सीधे VPN के तौर पर ही बंद कर दिया जाए ताकि उसका सर लगाए हैं। ये इसलिए लगाए हैं जैसे ये सर ऑन ऑफ होता है, जो यहाँ पर टच करेगा वहाँ पर जैसे चिंगारी नहीं उत्पन्न होगा तो उसे कार्बन नहीं जमेगा जहाँ पर ये छुएगा, दोनों आपस में टच करेंगे तो इससे जब आर्क नहीं, ये कार्बन नहीं जमेगा तो ये डिवाइस लंबे समय तक चलेगी। जैसे वैसे कार्बन जम जाता तो सर्किट कनेक्ट डिस्कनेक्ट होने में दिक्कत होता, तो इसीलिए कंडेंसर लगाया गया। जिसे शुद्ध प्लस परिवार की ओर से IGL मैच में प्रतिभाओं को निखारने के लिए 25,000 रुपए का चेक प्रदान किया जाता है, जिसके तहत कुल 11 खिलाड़ियों को यह चेक प्रदान किया गया। शुद्ध प्लस परिवार इस IGL को पिछले 3 वर्षों से लगातार आयोजित कर रहा है, जिसका अंतिम वर्ष 2018 था। चेक वितरण कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए हमारे सिटी वन संवाददाता से शुद्ध प्लस के मैनेजर सुनील वर्मा ने कहा कि ये छात्रों को हौसला अफजाई के लिए चेक दिया गया है। इस 2016 में एक आयोजित किया गया था, तो उसमें जो बच्चों ने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था उनमें 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उन 11 बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और खेल में मोटिवेट करने के लिए 25,000 रुपये का इनाम प्रतिवर्ष का एक कंपनी ने कमिटमेंट किया था, जिसके तहत 2 साल पिछले 16 में 17 में दिया गया और 18 में आज उनको लास्ट दिया गया है 25,000 रुपये। 3 सालों के लिए था ये, अंतिम था आज। तो दिन भर के इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए साईं प्रणाम।